कि जैसी राजनीतिक हालात चल रहे हैं, आप जो जिले में दो विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं उनमें से एक चुनाव आप लड़े। मैंने उनसे यही कहा कि हरोली के लोगों ने मेरे साथ बहुत निभाई है, 25 साल से वो मेरे साथ खड़े हैं। मैं उन्हें धोखा देके जो है किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जा सकता। और जिन्होंने लगातार, ऐसा नहीं है हम अगर जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे उसको फतह करके आएंगे, लेकिन हमारे भाई बंधु वहां पे बैठे हैं, हम उनको चुनाव लड़ा के जिताएंगे और साबित करेंगे कि ऊना में कितनी ताकत है। और ऊना की जो दोनों सीटें हैं, ककरेट की है, कुटलहड़ की है, हम ये दोनों सीटें जीतेंगे। और पार्लियामेंट्री सीट का एक चुकाने वाला नतीजा आपके समक्ष आएगा। और सबसे पहले तो मैं अपने साथियों को यह बता देना चाहता हूं, हरोली के लोगों को बता देना चाहता हूं, जब भी इतिहास लिखा जाएगा हिमाचल के अंदर, जब भी इतिहास लिखा जाएगा उस इतिहास में ये लिखा जाएगा कि जिस एमएलए को हरोली के लोग वोटें डालते थे उसने आड़े मौके पे, जब पार्टी को सिर्फ एक वोट की जरूरत थी और उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी, उसके बावजूद भी उसने वो वोट डाल के सरकार बचाई है। हरोली के लोगों का नाम उस श्रेणी में लिखा जाएगा कि हरोली के लोग सच्चे पक्के ईमानदार और साथ निभाने वाले लोग हैं। पहले तो ये था कि हमारे पास 40 विधायक हैं, 3 इंडिपेंडेंट का साथ भी हमारे साथ है, 43 हमें, 25 वो है, तो कोई वोट डालने जाए या ना जाए क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब हालात का पता लगा और हमने जाके वहां पे वोट डाला और भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस जो है वो हमने नाकाम किया, तो हरोली का इतिहास में नाम लिखा जाएगा। और अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि, और पूरे हिमाचल को ये बताना चाहता हूं और खासतौर पे भाजपा के लोगों को बताना चाहता हूं, परिस्थितियां चाहे जो भी हो, हिमाचल की सरकार नहीं गिरेगी तो नहीं गिरेगी। भाजपा के लोग पूरी लीडरशिप उल्टी लटक ले, लेकिन हिमाचल की सरकार नहीं गिरेगी। और मैं चुनौती देता हूं जयराम ठाकुर जी को, उनके साथियों को, उनके सहयोगियों को, जिन्होंने ये ऑपरेशन लोटस प्लान किया था, अगर आप में दम है 46 महीने आगे पड़े हैं हमारी सरकार गिरा के दिखा, आप में दम है आप हमारी सरकार गिरा के दिखाओ। हम इस समय भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 लोग बैठते हैं, 68 लोग, 68 कुर्सियां लगी हुई हैं, हर हलके के व्यक्ति के लिए कुर्सी लगी है। और 35 व्यक्ति चाहिए जिसको राज करना है, 35 आदमी चाहिए जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को राज करना है। हमारे पास 40 थे और हमें 3 इंडिपेंडेंट्स का समर्थन भी था, 47 थे हम और बीजेपी 25 थे। 25 वालों ने प्लान किया कि हिमाचल सरकार गिरानी है, तो उन्होंने 10 लोगों पे काम किया होगा, उन्होंने 10 लोगों पे काम किया होगा। और लेकिन 9 की वोट तो पड़ गई लेकिन 10 भी नहीं पड़ी, 10वीं वोट पड़ी नहीं। और जाके मसला 34 पे, 34 पे जाके टिक गया। और इन्होंने कभी, इन लोगों ने जो 6 लोग कांग्रेस पार्टी के जो आज बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, पहले तो इन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि इस सारी एक्सरसाइज में इनकी एमएलएशिप चले जाएगी। इनको ये नहीं पता था ये विधायक से पूर्व विधायक हो जाएंगे,
एमएलए बनना बड़ा मुश्किल काम है, आप सामने सामने बैठे हैं, जनता जनार्दन है आप। पांच बार आप मेरे को चुन चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं हमेशा आपसे डरता हूं। हर बार आप मेरे को पहले से ज्यादा वोट डालते हैं, पहले से ज्यादा लीड देते हैं, फिर भी मैं आप, क्योंकि मेरी चाबी जो है वो आपके हाथ में हमेशा से रही है। जो छह लोग चुनाव लड़ रहे हैं इस समय, इनका दिल ही जानता होगा कि क्या गुजर रही है। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि स्पीकर की क्या पावर है, स्पीकर आपको विधानसभा से बाहर कर सकता है। देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय ने, हिमाचल प्रदेश के माननीय अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी ने जो इनको बाहर निकाला विधानसभा से कि तुम कांग्रेस के टिकट पे जीत के आए, तुम वोट कहीं और डाल रहे हो, बात कहीं कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको जो है रिलीफ नहीं दिया और ये विधानसभा से पतली गली से बाहर हो गए। अब छह लोग बाहर हो गए। इस समय 62 का हाउस है, 62 का, 62 के हाउस में 25 बीजेपी के हैं, 34 हम हैं, 9 का फर्क है, 3 इंडिपेंडेंट हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा, हमने भी इस्तीफा दिया है, फिर तुम भी दे दो इस्तीफा, हम तो 34 ही रहेंगे। तुम्हारे रहने से वो 25 दिन ढाई हो सकते थे, 24 हो सकते थे, तुम्हारा इस्तीफा देने से जो है वो 25 हो गए। और अब वो भी अदालत में चल रहा है, हाईकोर्ट में 24 को सुनवाई है, इस्तीफा कब एक्सेप्ट होता है नहीं होता है उसमें धाराएं हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस्तीफा देता है, जैसे मैं जाके कोई इस्तीफा दे दूं, तो विधानसभा का अध्यक्ष को ये अधिकार है पता करने का कि भाई इसको किसी ने डराया तो नहीं, किसी ने इसको खरीदा तो नहीं, किसी ने इसको जो है किसी ऐसी चीज का प्रलोभन तो नहीं दिया है जिससे कि ये इस्तीफा लेके आ गया। उनसे पूछा जा रहा कि तुम आज विधायक हो, इस्तीफा देने के बाद फिर क्या बनोगे? कहते हैं फिर विधायक बनेंगे, पुरानी तनख्वाह पे नौकरी करनी है तो इसी पे करते रहो। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, अगर 9 इलेक्शन हो रहे हैं कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक ही पार्टी सारे इलेक्शन जीते। हमें तो 34 से 35 करने के लिए 1 की जरूरत है, उनको 25 से 35 करने के लिए 10 की जरूरत है। इलेक्शन 9 के हो रहे हैं, 9 के इलेक्शन हो रहे हैं, सीटें 10 चाहिए, हमें 1 चाहिए। तो पूरे हिमाचल को मैं यह कहना चाहता हूं, आराम से इत्मीनान से बैठे रहो, हमारे साथ चलो, खुल के वोटें डालो, चारों लोकसभा भी जीतेंगे, 6 की 6 विधानसभा भी जीतेंगे, और फिर उसके बाद जो 3 इंडिपेंडेंट है इनका इस्तीफा मंजूर होगा, वो 3 भी जीतेंगे। फिर उसके बाद जो दो एमएलए हम लड़ा रहे हैं मंडी से और सोलन से, फिर उनके भी इलेक्शन होंगे, वो भी हम जीतेंगे। तो हमारी सरकार ढोक बजा के चलेगी, कोई भी गलतफहमी में मत आ जाना, कोई भी गलतफहमी में मत आ जाना। और ये जरूर कहना यार कि हमारे एमएलए ने सरकार बचाई थी, सरकार जो है 35 से हम कहां लेके चलेंगे, हम 45 तक लेके जाएंगे। पहले हम 40 थे, अब हम 45 तक लेके जाएंगे, नहीं दो और भी आएंगे, हमारे आ जाएंगे 47 तक, तो 47 तो हम अपने कर लेंगे। प्रदेश की जनता में बड़ा भारी आक्रोश है, प्रदेश की जनता में हो सकता है कि कुछ लोग हमारे से नाराज रहे होंगे, होता है एक परिवार में नाराजगी चलती है, कोई आज नाराज है, इतना बड़ा परिवार है, कोई आज नाराज है, कोई कल नाराज है, कोई आज खुश है, कोई कल नाराज है। लेकिन इस बात को देवभूमि के लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया कि आप सरकार तोड़ने पे आ जाओ, एक जनादेश वाली एक 43 एमएलए वाली सरकार को आप इस ढंग से तोड़ो। और हर जगह जो है, जहां भी हम जा रहे हैं, बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। और 2 महीने की बात है, जयराम जी कह रहे हैं कि हम जो है 4 जून को अपनी सरकार बनाएंगे, 4 जून को सरकार बनाएंगे, कहते हम तो कहते हैं कि सरकार तो अपना रहा भूल जाओ, अब पार्लियामेंट में जाके निकालो। अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जनता का पल्स इस वक्त आप देख लो, लोग हर व्यक्ति कह रहा है, संसार की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी दावा करते हैं कि हम संसार की सबसे बड़ी पार्टी है। अरे भाई आप चुनाव किसको लड़ा रहे हैं? कांग्रेस से गए 9 लोगों, एक भी आदमी आप अपना नहीं लड़ा पाए, और पार्टी में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने ये कहा होगा कि आप कांग्रेस से ये जो मेहमान लाए हैं हम इनके लिए जो है काम नहीं कर सकते। लेकिन विद्रोह की चिंगारियां तो टूटी हुई है पूरी तरह, पता नहीं कितने के लोगों से हम भी मिले हैं, वो कहते हैं कि वो टिकट दे सकते थे, बाकी काम हमारा है कि आपको नहीं करना है।
बीजेपी के लोग कहते हैं कि इनका काम तो हम कर देंगे, ये कौन सी लीडरशिप नहीं आ गई हमारे बीच में जिनके लिए कहा जा रहा है। अब इसी सीट का आप देख लो, अपने जिले में देख लो, वीरेंद्र कंवर जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रहे हैं, अब उनसे कहा जा रहा है कि भुट्टो जी का पर्चा उठाओ। अब आप बताओ, चार बार का एमएलए, पांच इलेक्शन लड़ा हुआ, मंत्री रहा हुआ, और उसको कह रहे हैं कि जाओ उसका पर्चा उठाओ। और उधर राजेश जी आमने सामने लड़े हैं चैतन्य जी के, उनको कहा जा रहा है कि आप उनके हक में जाके नारे लगाओ। ऐसा क्या संभव है? कुछ नहीं होने वाला हर सीट पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अब बोलने की इजाजत नहीं है कि किसी को टिकट दी जा रही है तो कोई बोल नहीं सकता कि क्यों दी गई है, लोकतंत्र समाप्त हो गया है। तो इसलिए अब जिस ढंग से 6 लोगों की मेंबरशिप गई है, ये कह रहे थे कल भाजपा वाले कि हमारे 4 लोग और संपर्क में है। मैंने कहा कि संपर्क की बात तो ये हो गई कि जो हिमाचल में हुआ है, अब तो कोई पंजाब का, हरियाणा का, उत्तराखंड का एमएलए भी इस्तीफा दे देगा। अगर पड़ोसी राज्यों में भी सिग्नल चले गए कि कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना, स्पीकर के पावर का जो है सबको पता लग गया। इसलिए हमारे 34, हमारे जो 34 है, हमारे तो परिंदा भी पार नहीं मार सकता। अगर इन्होंने किसी से प्रयास नहीं किया होगा तो सब अपनी बैरक में प्रॉपर लौट आएगा, अपनी बैरक से कोई बाहर नहीं निकल रहा है। अब तो भाजपाइयों से फोन पे बात करने से भी डर रहे हैं, ये स्थिति पैदा हो गई। तो इसलिए मैं अपने हरोली के लोगों को कहना चाहता हूं कि आपके काम हो रहे हैं, आप एक अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, किसी भी गलतफहमी में किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जी अगले 46 महीने प्रॉपर आपकी हमने सेवा करनी।